सबसे पहले हैप्पी दिवाली जाकर के पड़ाके फोड़ो, मौज मस्ती करो, कौन क्या बोल रहा है किसी की मत सुनो, पूरे एरिया को धुआं धुआं कर दो। हेलो जी, कैसे हो सारे, होप यू आर गुड। तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने अब तक KGF चैप्टर 1, चैप्टर 2 या फिर सलार नहीं देखा होगा, और ये सारी मूवीज का जो मास्टर माइंड है वो है प्रशांत नील। तो इनकी तरफ से एक और ऐसे ही टॉर्च जलाकर देखने वाली मूवी आई है बघीरा, जिसे मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। तो कैसी ये मूवी अभी आओ इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो वेल हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द बॉस स्टार। तो हेलो, मुझे नहीं पता कि हम्बल फिल्म्स ने अपनी इस मूवी को अभी हिंदी डब में रिलीज क्यों नहीं किया है। शायद हो सकता है सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की महाक्लैश के बीच ये पिसना ना चाह रहे हो। ऐसे अच्छा आइडिया है। तो बघीरा हम्बल फिल्म्स की तरफ से आने वाली एक कनाडा लैंग्वेज सुपर हीरो फिल्म है, सुपर हीरो ठीक है, डायरेक्टेड बाय डॉक्टर सूरी एंड अ स्टोरी बाय वन एंड ओनली प्रशांत नील, जिसके लीड रोल में है श्री मुरली एज वेदांत या फिर बघीरा भी बोल सकते हो, रुक्मणी वसंत एज लव और प्रकाश राज एंड गरुड़ा राम। मूवी का स्टोरी वेदांत के बचपन से शुरू होता है, जिसके बाद वो बड़ा होने पे एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर बनता है, बट वो अपने पुलिस के वर्दी में क्राइम करने वालों को सजा नहीं दे पाता है और वो सारे बच निकलते हैं। इसी तरीके से जो सोसाइटी में है ना, क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, इतना कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके बाद जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होकर इस चीज से बघीरा बनता है और सभी को एक एक करके ठिकाने लगाता है, जिसके बाद जाहिर सी बात है सारे क्रिमिनल भी उसके पीछे और पुलिस भी उसके पीछे कि आखिर ये है कौन बघीरा जो एक एक करके सभी को ठिकाने लगा रहा है, ये मास्क के पीछे आखिर चेहरा किसका है, तो ये पता लगाना होता है सभी को। वैसे इसको आप कुछ दिन पहले आए नानी की मूवी सूर्या से सटरडे टाइप भी कह सकते हो, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही था, बंदा सारे दिन बैठता था और सटरडे को मास्क लगा करके निकलता था, या फिर बॉलीवुड की सहनशाह मूवी जैसा भी कह सकते हो, क्योंकि बघीरा का भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है। देखो स्टोरी बहुत ही सिंपल है, बट तारीफ करना होगा डायरेक्टर का, जो एक सिंपल और स्ट्रेट स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, साथ में एक्शन सिक्वेंसेस भी अच्छा लगेगा आपको। हाँ ये बात है कि स्टोरी थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, बट ठीक है, इट्स ओके, चलेगा, कोई बात नहीं, काम ही तो चला रहे हैं इस मूवी को लेकर के। देखो मूवी का रन टाइम है 2 घंटा 38 मिनट, आप देखने जा रहे हो तो थोड़ा किसी की जगह पे आपको बोर फील होगा, अच्छा भी लगेगा, ओवरऑल ठीक ठाक ही है। बघीरा का मेन विलन राणा, जो पूरे शहर के क्राइम का मास्टर माइंड होता है, तो उसकी नजर जो है बघीरा पे होता है कि आखिर मास्क के पीछे कौन है और कौन है जो ये सारे को एक एक करके सफाया कर रहा है, अगली बारी मेरी भी हो सकती है, ऐसा है। और आप भी थोड़ा इन दोनों का ना भाई फेस ऑफ के लिए रेडी हो जाओगे, थोड़ा बेताब होगे कि भाई तुम दोनों लड़ो, देखना चाहते कि आखिर किसमें है कितना दम। और जब ये दोनों का फेस ऑफ होगा तो आपको सच में मजा भी आता है। श्री मुरली का एक्टिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, किसी किसी जगह पे आपको थोड़ा क्रिंज सा फील होगा, बट आप उसको माइंड नहीं करोगे, आई नो। वैसे प्रशांत नील की जो फर्स्ट मूवी थी ना, उसमें भी हीरो श्री मुरली था, तो अगर इस मूवी को भी प्रशांत नील डायरेक्ट करते तो ज्यादा मजा आता। वैसे डॉक्टर सूरी ने भी अच्छा काम किया। एंड बात करें प्रकाश राज के बारे में, तो एज ऑलवेज इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एंड पूरी मूवी में मुझे अगर कुछ ठीक लगा तो वो ट्रेन का जो फाइट सिक्वेंसेस था वो अच्छा लगा। एंड आपको 2-3 जो फ्रेम दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, इसके आसपास ही कुछ ऐसा होता है, वो भी मुझे अच्छा लगता है। मूवी का म्यूजिक कुछ खास और कुछ बुरा नहीं, बल्कि एवरेज से भी नीचे था। और इसका VFX के बारे में तो आप ना ही पूछो मुझसे, तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि इतना घटिया था कि मैं कैसे बोलूं, कैसे ब्याह करूं शब्दों में। आपको बस 1-2 जगह पे आपको इसका VFX ठीक ठाक ही लगेगा, इतना बुरा था कि जब आप देखोगे तो क्लियरली फेक समझ में आते हैं। एंड एक चीज और, किसी किसी जगह पे इतना डार्क कर देते हैं ये लोग स्क्रीन, कुछ दिखता ही नहीं है भाई। मैं तो ऐसा यूं टॉर्च जला करके दिख रहा था, कुछ दिख रहा है क्या, इतना अंधेरा क्यों है भाई। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज उन लोगों का फॉर्मेट चला है भाई कि बस बना दो, डार्क कर दो, टोन डार्क कर दो, इतना अंधेरा दिखा दो कि ऑडियंस को कुछ दिखे ही ना और ऑडियंस बोले वाओ ब्लॉकबस्टर मूवी, क्या खतरनाक मूवी बनाए। ओवरऑल मूवी में अगर कुछ ठीक ठाक है तो वो है एक्शन सिक्वेंसेज। एंड एक बार सच बोलूं, राइटर और डायरेक्टर का जो विजन था ऐसे कॉन्टेंट का, ये अच्छा था, इसको और बेहतर बनाकर दिखा सकते थे, लेकिन गई भैंस पानी में। अगर आप चाहो तो 1 टाइम वॉच कर सकते हो, आपकी मर्जी, मेरी तरफ से 2.5 out of 5 की रेटिंग, वो भी सिर्फ प्रशांत नील और डॉक्टर सूरी के परफॉर्मेंस, प्रकाश राज की परफॉर्मेंस, इन लोग की वजह से। बाकी आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। शुक्रिया एंड बाय।